तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा। एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा। आर यू कॉमेडी? वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके दो दो तीन तीन चार चार पर भारी है। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते, तो इस वजह से वो मतलब अगर वो आ रहा है थर्ड पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से अपने टैलेंट से आ रहा। और दूसरी बात है जो है हमारे में, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग इस वजह से, हम लोग इतने स्ट्रांग इसलिए कि हमारे अंदर बचपन से एक अकीदा डाल दिया गया है कि वन मुस्लिम इज़ इक्वल टू 70 जो है एनिमीज, यानी कि एक मुसलमान 70 काफिलों के 70 यहूदियों के बराबर है। तो शायद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें वो ताकत दी है कि हमारी आर्मी इतनी लो बजट में भी पाकिस्तान की दुनिया की बेस्ट आर्मी में शामिल होती है। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ज़्यादा है। हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है, जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर तीन ही महाशक्तियाँ ऐसी है जो अपनी डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है और इंडिया भी उन तीन कंट्रियों में आता है। भारतीयों के लिए सबसे बड़े प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि हम उन तीन चुनिंदा अमीर देशों के अंदर आते हैं जो अपना डिफेंस में सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, तुम जय बोलो जय। अभी थोड़े दिनों पहले सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत अपने डिफेंस में 76 बिलियन डॉलर खर्चा करता है। तो भारत अगर इतने रुपए अपने डिफेंस में खर्च करेगा तो पाकिस्तानियों के तो पेट में मरोड़ उठना लाजमी है भाई, लाजमी है। और पाकिस्तानियों की जहालत तो जग प्रसिद्ध है, तो वीडियो में तो मजा आने वाला है, शुरू करते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अपने डिफेंस में खर्च कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इसको, कैसे देखते हैं? और जो 2021 में उसने जो अपने डिफेंस में स्पेंड किया है वो 76 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है, क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि आप देखें कि एक टाइम था जब मुसलमानों की हुकूमत थी, हज़रत उमर के दौर में भी हमने बहुत ज़्यादा रकबा फतह कर लिया था, लेकिन अब ये है कि हमारा हाल बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ना तो हम दुनिया की तरफ प्रॉपर आ रहे हैं और ना ही हम दीन की तरफ आ रहे हैं। अब हिंदू हैं, उनका एक मिशन है, वो प्रॉपर उनकी इंडस्ट्री है, क्रिकेट की तरफ से कमा रहे हैं पैसे, लेकिन उन्हें पता हम काफिर हैं, वो एक तरफ चल पड़े हुए हैं। काफिर का मतलब क्या है भाई? जो हमारे भगवान को नहीं माने वो काफिर, तुम काफिर हो। हमारा सनातन धर्म तो धरती है जब से भाई, तुम काफिर हो, तुमने धर्म परिवर्तन किया भाई, हम काफिर नहीं है, हम जेन्यून है, तुम डुप्लीकेट हो। अगर हम इस तरह ही दो कश्तियों में सवार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद हमारा हाल बुरा होता जाएगा। और मेरे ख्याल से किसी एक तरफ रह के हमें करना चाहिए काम ताकि हम तरक्की करें जिस तरह वो कर रहे हैं। और ये तो हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि हमारा एक मुसलमान जो है वो 10 पे भारी हो जाएगा अगर हम नियत के साथ काम करें तो। लो और सुन लो, एक मुसलमान 10 पे भारी हो जाएगा भाई। कैसे भारी हो जाएगा, कैसे भारी हो जाएगा, आ जाओ लड़के देख लो, ये मदरसे छाप ज्ञान है भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक मुसलमान 10 पे भारी हो जाएगा। ताउन मुल्क सारे के सारे भूखे नंगे, दो चार को छोड़ के, कतर, यूएई, सऊदी अरब को छोड़ के, वो भी तेल निकला है 1950 के दशक के बाद से, तो थोड़ा बहुत पैसा आ गया इनके पास, भूखे नंगों के पास। बातें सुन लो इनकी, बाकी देखिए अब आगे क्या होता है, आगे क्या नहीं होता।
औकात में रहो। जाहिर मैं यही कहूँगी कि वो जाहिर सी बात है इतना बड़ा एक तो मुल्क है और वहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर कोई अपने टैलेंट से बहुत आगे जाता है, किसी का सहारा नहीं लेते, तो इस वजह से मतलब अगर वो आ रहा है थर्ड पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी मेहनत से अपने टैलेंट से आ रहा। मैम मेरी बात सुने, जब आपकी कंट्री के बाकी मुल्कों से मसला कोई हो, लड़ाई हो, जंग हो, तो सबसे पहले एक आर्मी ही है जिसकी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया से रिलेशन ही खराब है, हमारा उसके बाद ईरान से चक्कर पड़ जाता है, अमेरिका से पड़ जाता है, रशिया से पड़ जाता है, जब हम इतने मुल्कों से पंगे डालेंगे तो हम कैसे बचेंगे? ना मेरे पास AK-47 है, ना आपके पास AK-47 है। AK-47 है तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुल्कों को अपनी आर्मी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, मैं कहता हूँ कि आप 37 बिलियंस की बात कर रही हैं, अगर वो 90% भी खर्च करें तो वो भी कम है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। मैम बात तो सही है, ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते रहें अपने डिफेंस में, उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि शहादत का इसमें है बलबला है सारी आवाम के अंदर। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके दो दो तीन तीन चार चार पर भारी है। ये भाई मदरसे में तो जरूर गया है, लेकिन ये हाफ छुट्टी में भाग के आ जाता था। इससे पहले वाला 10 मुसलमानों पे भारी पड़ रहा था, ये 5 तक आ गया है। करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं। तो ये भाई ये मदरसा बंक करके आ जाता था, तो इसके लिए इसका ज्ञान भी हाफ रह गया। केवल एक देश है, इधर 57 देश खड़े हैं, सो अकेला उससे, फिर भी इन 57 की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल की कुल जनसंख्या जो है वो लगभग 90 लाख है, जिसमें 70 लाख के आसपास यहूदी हैं, लेकिन इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो उदाहरा है, और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग और वो अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की, ये हम गारंटी देते हैं। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? और फर्दर ये कि पाकिस्तान को भी चाहिए अपने डिफेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करे कुछ, अपने करप्शन को और जो जेबें भरनी है उसको थोड़ा कम करे, और ताकि हमारी फौज के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स के लिए हो सारा तरीकेकार, और जिस तरह ठंडर तैयार है जो पाकिस्तान के पास है, इस तरह के और भी बहुत कुछ होने चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने जो दिफाही मामला हैं उनको अच्छी तरह चला सकें। और बाकी ये है कि इंडिया को अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फौज के अंदर आपको पता है कि वो एक जोश बलबला भी होना चाहिए जो कि पाकिस्तानी फौज के अंदर ज़्यादा है। मतलब इंडिया से तुम निकले हो, इंडिया से तुम गए हो, मतलब इंडिया के अंदर जोश और बलबला है ही नहीं, वो सारा जोश और बलबला तुम्हारे पास में ही। अबे तुम्हारा जोश और बलबला बेहतर उड़े ढूंढने में निकल जाता है, बसता ही नहीं है वो तुम्हारा जोश और बलबला, खोखले हो अंदर से। और बाकी फर्दर पाकिस्तान भी कर रहे हैं, लेकिन वो जेबों में ज़्यादा चले जाते हैं। ओ चूना लगा दिया। सर आपको क्या लगता है जिस हिसाब से इंडिया अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 76 बिलियन डॉलर्स का जो डाटा सामने आया है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में वो चाइना और यूएस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, चाइना को तो बीट नहीं कर सकता, चाइना को तो यूएस भी बीट नहीं कर सक रहा आपके सामने, वो कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है वो काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी को जो है ना शेर पे सवा शेर रखा ही हुआ है। चाइना तो इनके मुंह बोले पापा है, वो तो चाटेगा ही चाइना की, तो ये बढ़िया था गुरु। इंडिया पे भी ये रहेगा इस तरह ही, लेकिन नो डाउट इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। नहीं, चाइना को तो मेरे ख्याल से कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो भी करता है ना अपने दम पर करता है, कभी किसी का सहारा नहीं लेता। चाइना का तो हर पाकिस्तानी चाटने में लगा हुआ है बस। आपको क्या लगता है कि वो बीट नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बुरे वक्त का पता भी नहीं है, क्या पता कर भी जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना तो मुश्किल है ऐसा। मैम देखें, आप ये देख लें, मैं यहाँ पे किसी की भी आर्मी के खिलाफ बुरी बात नहीं करूँगा, हमारी अपनी आर्मी है। जब आपने जंग जीतनी है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को इतना एजुकेटेड कर लो कि आपको लोग हाथों हाथ आप पे इन्वेस्ट करें पैसा, अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो हम आपके पास इतना आपके पास सोर्स होगा, आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि कोई जितने दुनिया की मर्जी जो है आर्मी आप पे अटैक करे तो आप उनको सर्वाइव कर सको, आप बचा सको। तो मेरे ख्याल से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड सेकेंड आई थिंक कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है
इंडिया जो है चाइना को भी बीट करेगा, क्योंकि वहाँ की आवाम जितनी है वो भी हमारी तरह ही है, वो भी जंग शंग ढोला पिटने को ज्यादा प्रमोट करते हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से शायद अगले साल ही ये जो है इंडिया चाइना को बीट कर जाए। ये बंदा वहाँ भी समझदार लग रहा है भाई साहब, पता नहीं पाकिस्तान में कैसे जन्म ले लेते इतने समझदार बंदे, लेकिन बात एकदम पॉइंट टू पॉइंट कही है। ऐसे लोगों को सुनने में मजा आता है जो समझदारी की बात करते हैं। चाइना जो है काफी स्ट्रांग है इस मामले में, तो अभी उससे काफी इंडिया को काफी टाइम है उसे बीट करने में। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना और यूएस जो है वो उनकी अपना मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद बनाते हैं, और ये इंडिया जो है ना ये तो लोगों से खुद एक्सपोर्ट करता है, इसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो इस वजह से ये अभी काफ़ी पीछे इस मामले में, ये खुद नहीं बना सकते अभी। मोस्टली अब वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो काफ़ी डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाने लगे हैं, तभी तो वो इन्वेस्ट कर। अगर आप ये देखें ना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में कुछ 20 साल आ गया या 30 साल आ गया, तो USA और चाइना जो है ये 100 साल आ गए, तो फिर इंडिया का नंबर तो फिर आना है, अभी 20-30-40 साल पड़े हुए हैं, तो ये बहुत बात की बात है, तब तक दुनिया बहुत आगे चलेगी। दुनिया तो आगे चली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका से भी पीछे चला जाएगा, तो अपनी परवाह करो मेरे दोस्त। 70 साल हो गए हैं, 71-75 ईयर्स होने ही वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है एक साथ अलग होने के बावजूद। आप इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आज की डेट में उनसे काफ़ी पीछे रह गया, क्या कहें? मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूँ, इसको बेशक आप जैसे मर्जी समझ लें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से, इंडिया की एजुकेशन हमसे बहुत आगे है। आप हमारे स्कूल्स और हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, उसके अलावा हमारा स्कूल लेवल पे सबसे दुनिया की घटिया तरीन पढ़ाई है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे श्रीलंका से भी ज़्यादा गंदी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है। एक दो बड़े स्कूल हैं जो पैसे कमा रहे हैं, LGS बिकनौस वगैरह, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं पैसों उसको, टीचर्स को खुद पता नहीं होता, मैट्रिक पास टीचरें ले आते हैं, किसी मुल्क ने क्या तरक्की करनी जब आपकी एजुकेशन लेवल ठीक नहीं होता। इंडिया का IT डिपार्टमेंट देख लें, अमेरिकन ने उनको रखा हुआ, हायर किया हुआ है, यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं इस तरह का, एजुकेशन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो रहा है, इंडिया के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे से, दुनियावी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और ना हम कोई दूसरी दिनी ले रहे हैं ना दुनियावी ले रहे हैं, तो हम तो इसी तरह बेड़ा गर्क होता जाएगा हमारा आहिस्ता आहिस्ता। आप यकीन करें सिर्फ अल्लाह के सारे ज़िंदगी गुजर रही है, वरना जो हमारी करतूतें हैं ना, हमारा हाल बहुत मुल्कों से बुरा होना था, ये फिर भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई हमें थोड़ी बहुत। क्या बात है भाई साहब, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, आपने तो अचानक से सच्चाई को स्वीकार कर लिया, क्या बात है, मेरी बातें सुन रहे हो क्या? नहीं। तो दोस्तों सुनिए आपने इन पाकिस्तानी जाहिलों की बातें, अनपढ़ गंवारों की बातें। मैं रिबाजी को भी एक करेक्शन करना चाहूंगा, रिबाजी भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद नहीं हुए थे, आजाद सिर्फ भारत हुआ था, और भारत ने अपना अभिन्नंग पाकिस्तान को दिया था, जिसको आज आप पाकिस्तान बोलते हैं। सही बात है। और आप लोगों के क्या विचार है इसके ऊपर, आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको क्या लगता है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट ऐसा करना चाहिए जब पाकिस्तानी जब आके पढ़े ना, तो उनकी आत्मा से ना आत्मा से चिंगारियां फूटे, बम फूटे उनके अंदर, तो बेहतर उरों के सपने ना टूट फूट जाए, तो ऐसे कमेंट करना भड़केले, गाली गलौज मत करना, वो सारे स्पैम चले जाते हैं, सभ्य भाषा में फैलते हुए कमेंट करना, ठीक है। और ये थैंक यू का बटन पता है ये यूज करने के लिए होता है, ये देने के लिए होता है क्रिएटर को, तो ये थैंक यू का भी इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा खर्चा बहुत है भाई, कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।